In this video, I will discuss my first lecture of Islamic studies, which is about pillars of Islam. Islam ke five main pillars hain. Usme jo pehla hai wo hai tauheed, inke believe in oneness of God. Second, usme jo hai wo namaz hai. Third, jo usme hai wo zakat. Chautha usme hai roza. Panchwa haj. To in panchon mein se jo namaz hai, ज़कात और रोज़ा, इन तीनों का जो हुक्म है वो दो हिजरी को हुआ, या इसमें भी हम कह सकते हैं कि ये दो हिजरी को तीनों फ़र्ज़ हुए, जबकि जो हज है ये नौ हिजरी को फ़र्ज़। तो इस वीडियो में मैंने मोस्ट जो इम्पोर्टेंट जो एमसीक्यूज़ हैं, जो कि प्रीवियस जितने भी कम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स हुए हैं उनमें आ चुकी हैं, वो मैंने इसमें 20 जो एमसीक्यूज़ हैं जो अगेन एंड अगेन रिपीट होती आ रही हैं वो मैंने इसमें मतलब डिस्कस की हैं। तो फर्स्ट एमसीक्यूज है, विच इज़ अ फर्स्ट पिलर ऑफ इस्लाम। जो फर्स्ट पिलर है इस्लाम का वो है तौहीद, यानी कि अल्लाह के वननेस ऑफ गॉड, उस पर बिलीव जो रखना है उसको तौहीद कहते हैं। तो सेकेंड एमसीक्यूज जो है, इन विच ईयर नमाज एंड रोज़ा मेड ऑब्लिगेटरी। तो दो हिजरी को जो है नमाज और रोज़ा दोनों फ़र्ज हुए, तो ऑप्शन बी इसमें है दो हिजरी। थर्ड एमसीक्यूज, ड्यूरिंग ड्राउट कंडीशंस विच नमाज इज ऑफर्ड फॉर रेन। तो इसमें जो ऑप्शन सी है वो नमाज इस्तिस्का, जो नमाज इस्तिस्का है जो है वो ड्राउट कंडीशन में फॉर रेन जो है वो अदा की जाती है। तो एमसीक्यूज नंबर फोर, व्हेन हज वाज मेड ऑब्लिगेटरी। तो हज जो है नौ हिजरी को फर्ज हुई, तो ऑप्शन डी। फिफ्थ एमसीक्यूज जो है, विच नमाज इज ऑफर्ड ड्यूरिंग सोलर एक्लिप्स। नमाज कसूफ जो है वो सूरज ग्रहण के वक्त अदा की जाती है, ऑप्शन जो इसमें ए है। ऑप्शन जो बी है वो है नमाज खसूफ। खसूफ जो है ये चांद ग्रहण के वक्त जो है, लूनर एक्लिप्स जिसको हम कहते हैं, उसके वक्त के वक्त अदा की जाती है। एमसीक्यू नंबर सिक्स, इन विच ईयर ज़कात वाज मेड ऑब्लिगेटरी। ज़कात का हुक्म भी जो है नमाज और रोज़ा के साथ है, तो इसका हुक्म जो है वो दो हिजरी को है, तो ऑप्शन बी। एमसीक्यूज नंबर सेवन, विच इज़ अ थर्ड पिलर ऑफ इस्लाम। तो जो ज़कात है ये थर्ड पिलर ऑफ इस्लाम है। इसमें जो फर्स्ट वन है तौहीद, सेकंड उसमें नमाज, थर्ड उसमें ज़कात, फोर्थ रोज़ा, और जो फिफ्थ वन है वो है उसमें हज जो है। तो एमसीक्यूज नंबर एट जो है, व्हाट इज़ नसाब ऑफ ज़कात फॉर गोल्ड। उसमें जो है ऑप्शन जो इसका सी है, तो साढ़े सात तोले जब ज़कात मतलब जो है आपका सोना होगा तो उसके बाद ज़कात जो है फर्ज जाती है। एमसीक्यूज नंबर जो एट में, नाइन, व्हाट इज़ निसाब ऑफ ज़कात फॉर सिल्वर। तो ऑप्शन बी 52.5 जो तोला, यानी कि साढ़े बावन तोला अगर आपके पास क्या है वो चांदी है, तो उसके ऊपर ज़कात फर्ज हो जाती है। और हाउ मच टाइम द वर्ड ज़कात इज़ मैंशन इन होली कुरान। तो ऑप्शन सी 32 टाइम्स जो है मतलब इसका जिक्र किया गया है कुरान मजीद। एमसीक्यूज नंबर 11 जो है, व्हाट इज़ द ग्रेटेस्ट ऑफ ऑल सिंस अकॉर्डिंग टू होली प्रॉफिट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। शिर्क जो है ये इसको गुनाह अज़ीम कहा जाता है, तो इसका ऑप्शन ए। नेम द कलमा विच इज़ रिसाइटेड ड्यूरिंग हज ऑन वे टू मीना। तो कलमा तौहीद जो है हाजी जो है मीना जाते हुए उसकी मतलब तिलावत करते हैं। तो एमसीक्यूज नंबर 13 जो है, व्हाट इज़ द बैकबोन ऑफ इकोनॉमिक सिस्टम ऑफ इस्लाम। ज़कात जो है वह इकोनॉमिक सिस्टम इस्लाम के, इसको क्या बैकबोन कहा जाता है, तो ऑप्शन सी। व्हाट इज़ उशर। उशर जो है ये दसवां हिस्सा होता है एग्रीकल्चर जो प्रोड्यूस होती है उसका, दसवां हिस्सा उसको उशर कहते हैं, 1/10 प्रोड्यूस ऑफ एग्रीकल्चर। हु बिल्ड द फर्स्ट स्ट्रक्चर ऑफ होली काबा। हज़रत आदम अलैहिस्सलाम ने फर्स्ट स्ट्रक्चर जो था होली काबा का उन्होंने। मुज़दलिफा इज़ लोकेटेड बिटवीन। मुज़दलिफा जो है एक प्लेन एरिया है, ये मीना और अरफात के दरमियान में वाकिया है, तो ऑप्शन डी। 17th एमसीक्यू जो है वो, 17th एमसीक्यू जो है, फ्राम विच प्लेस पेबल्स फॉर थ्रोइंग एट शैतान आर कलेक्टेड। तो मुज़दलिफा के मकाम से जो है मतलब जो कंकरी हैं वो कलेक्ट की जाती हैं शैतान को मारने के लिए। एमसीक्यू नंबर 18 जो है, ऑन विच डे हाजी ट्रेवल टू मीना। हाजी जो है 8 ज़िलहज को मतलब अपना सफ़र जो है स्टार्ट करते हैं, मीना की तरफ चल पड़ते हैं। तो 19 एमसीक्यूज जो है, व्हाट इज़ मुज़दलिफा। मुज़दलिफा एक प्लेन एरिया, अक्सर इसमें स्टूडेंट्स जो भूल जाते हैं, वो माउंटेन को मतलब करेक्ट आंसर मानते हैं, तो नहीं, ये एक प्लेन एरिया है जो मुज़दलिफा है। तो एमसीक्यूज नंबर जो 20 है, हाउ मैनी टाइम्स हाजी रन्स बिटवीन सफ़ा एंड मरवा। तो हाजी जो है सात चक्कर लगाते हैं सफ़ा और मरवा जो पहाड़ियों के पहाड़ी दरमियान जो है। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो।